5 मई को शुक्रवार है, वैशाख पूर्णिमा का दिन है। तो वे पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को प्रिय है, माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन है और भोलेनाथ का भी खास प्रिय है। तो इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करके हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में कोई बहुत संकट आ रहा है, विवाह में परेशानी है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, गृह क्लेश है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई आपके जमीन संबंधी इत्यादि कोई परेशानी है, आप कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके आप इसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना से आपके ऊपर का आशीर्वाद बन जाएगा, और भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करें उनके जिन बच्चे बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, जिन विवाह की देरी झेल रही है, तो विवाह की देरी ऐसी है जिन अगर परेशानी से ग्रसित है तो माताएं बहुत परेशान होती है कि कब विवाह होगा, या उम्र बढ़ती जा रही है, अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसे। और अगर आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कई जो आपसे मिलती है वो उनमें नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियों के कारण आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा उपाय करना है, आपको काली मिर्च लेनी है 5 और 5 लौंग लेने हैं, और एक सफ़ेद रुमाल में उसे बांध ले, उसमें डाल के आप पूरे घर में इसे घुमाइए, और फिर जिस बेटे बेटी के विवाह में देरी हो रही है उसके ऊपर से क्लॉकवाइज आप उसे 7 बार वार दें, और फिर जो घर का आपका मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर आगे की तरफ नहीं बांधना है, पीछे उस जो आपने पोटली बनाई है 5 लौंग और काली मिर्च की, उसे गांठ बांध कर आप अपने घर के जो मुख्य दरवाजे में ऐसी जगह बांधिए कि जहाँ लोगों को ये दिखाई ना दे, और आगे एकदम आगे नहीं बांधना है, घर के दरवाजे के अंदर की तरफ इसे बांधे और लोगों को दिखाई ना दे पाए, जल्दी से ऐसी जगह इसे बांध देना है। इससे आपके जो घर में नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आई है वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, और आपके घर में जो मांगलिक कार्य अभी तक रुके हुए हैं वो होने लगेंगे। तो उपाय आप अवश्य करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।